बहुजन समाज का विरोधी नहीं है मुस्लिम समाज, जानिए कैसे। जब दो वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खां नाम के दो मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब का साथ दिया था। जब ज्योतिबा फुले हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे, तब उस समय उस्मान शेख नाम के मुसलमान भाई ने ज्योतिबा फुले को जमीन दी थी। माता सावित्रीबाई फुले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने साथ दिया था और तभी वो पहली शिक्षिका कहलाई थी। जब बाबा साहब हमें पानी दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, तो उस सत्याग्रह को करने के लिए जमीन मुसलमान भाइयों ने दी थी। बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में जाने नहीं दिया जा रहा था, तब बंगाल के 48% मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को चुनकर संविधान में भेजा था। खुद हमारे अपने लोगों ने वोट नहीं दिया था बाबा साहब को। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमें साफ पानी पीने से रोक कर रखता है। हमारा दुश्मन वह है जिसने हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया। हमारा दुश्मन वो है जो हमें हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा है। हमारा दुश्मन वो है जिसने हमें 85% भाइयों को 6,743 जातियों में बांट दिया। हमारा दुश्मन मुसलमान है, इस तरह के बहकावे में मत आइए। अगर मुसलमान देश का दुश्मन होता तो अकबर का सेनापति मानसिंह एक हिंदू और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां एक मुसलमान नहीं होता। खतरा इस देश को नहीं, खतरा कुर्सी को है, इसलिए इस तरह से हिंदू और मुसलमान को भड़काया जा रहा है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि आपके सामने थाली तो रखी जाएगी और उसमें भोजन भी रखा जाएगा, लेकिन आपका हाथ और मुंह बांध दिया जाएगा। खाना आपके सामने रखा है, आप लार तो टपकाओगे लेकिन खाना आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मुंह पर लगाम ना लगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और समाज को जगाने और संगठित करने का काम करिए। वो दिन रात काम कर रहे हैं संविधान को खत्म करने के लिए, और क्या आप इतने बिजी हो गए कि आपके पास समय नहीं है? कम से कम 1 या 2 घंटे का समय दीजिए, उनके बीच में जाइए। यह मत सोचिए कि हमें कोई 100-200 देगा या 100-200 का तेल भरवाएगा तब हम चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने किसी से यह नहीं कहा था कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके लिए मुझे पैसे दे दो तो मैं समाज के लिए काम करूंगा। इसलिए संगठित हो जाइए, अन्यथा सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।